इस वक्त हम एक होटल की तलाश कर रहे हैं। होटल की क्यों? उसकी एक वजह है। जैसी कि हमको जानकारी मिली जब हम पड़ताल कर रहे हैं कि केरल में जिस व्यक्ति ने ब्लास्ट किया है, जानकारी मिली है कि पुलिस स्टेशन जहां पर हम पहुंचे भी हैं, वहां पर जाने से पहले, सरेंडर करने से पहले उसने इलाके के एक होटल में कुछ वक्त भी गुजारा था। और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो करीबन 7-8 किलोमीटर पहले जो ऐसी जानकारी मिली है, यहां पर 3 ही 4 होटल हमको नजर आ रहे हैं, या मुश्किल से कहूं 2 से 3 होटल, और उसमें से भी एक ऐसा होटल जिसमें जो किराया जानकारी सामने आ रही करीबन 1500 रुपये दिया है। तो ऐसा हमको सिर्फ एक होटल के बारे में जानकारी मिली है, और वो ये है मिरेकल रेसिडेंसी, जहां पर किराया इतना है। बाकी और होटल्स हैं वो या तो कम किराए के या ज़्यादा किराए के हैं। यहां पर आप इसी होटल का मैनेजर है। मैनेजर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविन। जसविन, आपके होटल में 1500 रुपये तक के रूम है? वो 1500 का रूम है स्टार्टिंग। तो वो डोमिनिक ने इस रूम लाया था। डोमिनिक इस होटल में रुका था? इस होटल में रुका था। अच्छा, वो कल होटल में आया मॉर्निंग टाइम 10:45 को, और इधर होटल का रूम में गया, और बाद में वो उसका जो वीडियो बाहर आया ना, वो वीडियो इधर शूटिंग किया था। वो फेसबुक लाइव जो उसने किया था वो यहाँ से किया था? वो इधर से किया था, आपके होटल रूम से। हाँ, कौन सा होटल रूम नंबर? रूम नंबर तो 410 था। अच्छा, वो बेस रूम था हमारा, बेस रूम है। वो रूम निकाला बाद में, वो इधर वीडियो करके 10-15 मिनट में वीडियो करके इधर से चला गया था, चेकआउट हो गया था। मतलब 10:40 पे यहाँ पर आया, 10:55-11 बजे तक वो चेकआउट, 11 बजे तक चेकआउट हो गया था। तो बेसिकली वो वीडियो शूट करने के लिए इधर आया था, वो वीडियो शूट करके चला गया। हमको कुछ पता नहीं था। हाँ। मतलब वो एक नॉर्मल आदमी का जैसा आ गया और रूम ले आया, बाद में बोला चेकआउट हो गया। वो बाद में बोला था हमको कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरा किसी को एक्सीडेंट हो गया, वो थोड़ा इमरजेंसी है बोल के इधर से चेकआउट हो गया था। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने मतलब पूछा भी नहीं होगा, और जाहिर सी बात है होटल वाला क्यों पूछे, इमरजेंसी है। वो बोला मेरे को कुछ इमरजेंसी बोल के वो चेकआउट हो गया, हमको नॉर्मल लग रहा था। और पेमेंट मोड उसने कैसे, कैश दिया था? हाँ, वो गूगल पे किया था। गूगल पे उसने किया। तो उसने जब एंट्री वगैरह किया था तो आप लोगों को क्या अपना आइडेंटिटी बताया था, सही बताया? हाँ, उसका आधार कार्ड दिया था। वो बाद में इधर चेक इन हो गया, नॉर्मली जैसे कि बंदा चेक इन हो रहा है ऐसा नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, इसलिए हमको भी शक नहीं लग रहा था। बाद में जो इवनिंग टाइम में पुलिस ने बुलाया, बाद में इसके बारे में कितने बजे के आसपास, 8 बजे तक कैसा कुछ ऐसा वो इंक्वायरी किया था और उसका पूरा डिटेल्स मांगा था। उसके बाद में हमको पता चल गया आदमी है ऐसा ऐसा है। तो आप लोगों ने अपना CCTV वगैरह आपके होटल में लगे? हाँ, पूरा बंदा का पूरा डिटेल्स CCTV वगैरह हम पुलिस को दिया था। जैसे ये जितने भी CCTV हैं इन सबका आपने जो है DVR रिकॉर्डिंग दे दिया है। देखिए सामने, और किसी भी होटल में जाते हैं ये सुरक्षा के लिए लगाना जरूरी होता है, और यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो डोमिनिक का कब अंदर आया, कब बाहर गया, वो पूरा आपने रिकॉर्ड CDR दे दिया, पूरा सब पुलिस को दिया था। उसके अलावा रजिस्टर में जो एंट्री की है वो सारी सब दिया था, सब दिया था। तो आप लोगों से पुलिस ने फिर पूछा गया, क्योंकि बाद में पता चला होगा ये तो ब्लास्ट करके आया है। हाँ, हमको तो पता नहीं है ना, नॉर्मल आदमी आ गया, रूम लाया, बाद में सब डिटेल्स नहीं दिया, पैसा दिया, और सब नॉर्मल जैसा चेकआउट हो गया ना, तो हमको कुछ शक नहीं लग रहा था। ये भी नहीं पता चला होगा कि वीडियो जो बना करके रूम से चला गया, वीडियो भी रूम में बनाया, रूम का अंदर हमको कैमरा नहीं है और उसका प्राइवेसी है, इसलिए हमको कुछ पता नहीं था। बाद में ऐसा करके वो चला गया, हमको तो इसमें कुछ क्लू भी नहीं है ना। बाद में जब इवनिंग टाइम में वो आके सरेंडर हो गए, पुलिस को जो जो बताया उसके बारे में पुलिस हमको कॉल किया, तब पता चल गया हमको। तो उसमें जो है, जब आपने फिर उसका वो वीडियो देखा फेसबुक वाला, आपके रूम का ही है? हाँ, वो हमारे रूम में शूट किया था, वो आपके रूम में। हाँ, पकड़ा है। हाँ, तो मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही यहाँ पर रुका, उसके बाद चला गया। 15 मिनट रुका था, बाद में चला गया। इसका मतलब वहाँ से, यानी कि जो कन्वेंशन सेंटर जहाँ वो उसने ब्लास्ट किया, वहाँ से यहाँ तक आने में भी करीबन 1 घंटे के आसपास का ही वक्त, 1 घंटे के आसपास आएगा, 1 घंटे के आसपास। जो बेसिकली वो बंदा ट्रैवलिंग कर रहा था ना, तो इसलिए। और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है जहाँ उसने सरेंडर किया है, यहाँ से तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। हाँ, इधर से 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, तो करीबन 15 मिनट मुश्किल से लगता है। लेकिन यहाँ से निकल गया 11 बजे, वहाँ सरेंडर किया करीबन 1 बजे, मतलब यहाँ से निकलने के बाद भी वो कहीं पर पता नहीं है ना, पता नहीं। तो देखिए डोमिनिक, साफ तौर पर देखिए इनका ये कहना है कि हमको तो पता ही नहीं है, एक कोई भी व्यक्ति आता है होटल में, रूम लेता है, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, अपना डॉक्यूमेंट देता है, वो प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई गई, 10:40 पर आया और करीबन 11 बजे से पहले वो यहाँ से चला भी गया सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। इनको तो तब पता चला जब पुलिस ने
इनको पूछताछ के लिए बुलाया, जब आपको बुलाया तो ये बता दिया था कि आपके होटल में ये बंदा रुका था और इसने जो ब्लास्ट किया? ऐसा था, तो हम लोग आईडी मैच किया, वो मैच हो रहा था, तो हमको पता चल गया ये बंदा आ गया इधर, नहीं तो हमको नॉर्मल जैसा एक आदमी आके चेकआउट हो गया। हम रिकॉर्ड में मतलब बैकअप रखता है, वो पुलिस को दिया था। आप लोगों को कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी लगी भी नहीं? नहीं लगे ना, तो एक नॉर्मल बंदा का जैसा था, एक नॉर्मल बंदे के जैसा। और जब पुलिस ने बुलाया, जब बताया इनको, तब इन्होंने जब वो वीडियो देखा फेसबुक जो उसने जो है वीडियो पोस्ट किया था, तो पता चला ये तो इसी कमरे का है, इसी रूम का है, रूम नंबर 410 में। फिलहाल पुलिस ने उस रूम को सील किया हुआ है। हाँ, सील किया हुआ। फिलहाल पुलिस ने उस रूम को सील कर दिया है। तो इनका साफ तौर पर कहना है, इनके पास जितने भी दस्तावेज थे, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात हो, फिर चाहे वो रजिस्टर के रिकॉर्ड्स की बात हो, फिर चाहे वो जो भी डॉक्यूमेंट जो उसने दिए थे, कैसे पेमेंट किया था, किस खाते से पैसा गया, वो तमाम चीज़ों की जानकारी इन्होंने पुलिस को दे दी है। और पुलिस ने इस होटल का रूम नंबर जो 410 है उसको सील किया हुआ है, क्योंकि ये जांच का हिस्सा है। और इनका ये कहना है, डोमिनिक का ये कहना है कि हमारी तरफ से जो भी जानकारी दी जा सकती थी हमने दे दी है, और अब पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन अब आप खुद समझिए, डोमिनिक उस घटना को अंजाम देने के बाद करीबन एक घंटे बाद यहाँ पर पहुँचता है, करीबन 15-20 मिनट रुकता है, अपना वीडियो बनाता है, और यहाँ से 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन पहुँचा। यानी कि बीच के 2 घंटे की कड़ी अभी और भी है कि आखिर वो 2 घंटे कहाँ रहा, क्या उसके दिमाग में चलता रहा, क्या कुछ चलता रहा, क्या किसी से फोन पे बात की, ये तमाम वो कड़ियां हैं जिसको पुलिस और जांच एजेंसी जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये सारी जानकारियां कि किस तरीके से डोमिनिक घटना को अंजाम देने के बाद यहां पहुंचा, जिसने खुद को आरोपी बताते हुए बाद में किया पुलिस के सामने सरेंडर। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, केरल।